आज होगा या नहीं होगा? मौलाना पीटीआई को आप मनवा लेंगे? आप 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 शहबाज शरीफ आज होगा या नहीं होगा? जस्ट मौलाना पीटीआई को आप मनवा लेंगे? आप पीटीआई ने आपको मना लिया? आप शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई उनके बाद आप पीटीआई को कह लेंगे कि वहाँ तक जाने दो, जो मैंने कहना है वहाँ कहने दे। कानून साजी करनी है मुल्क के लिए, कौम के लिए, और कानून का असर मुल्क और कौम के मुस्तकबिल पे मुरतब होना है, और अगर वो दस्तावेजात या वो मुसवदात मख्फी हो, अब तक पोजीशन को न मिले हो, तो फिर उस कानून साजी के बारे में उंगलियां तो उठेंगी। अगर कानून साजी का उसको पता है, अगर अवाम के मफाद में हो रही है, अगर वो वाकई हकीकी वजीर आजम है, तो फिर जुर्रत पैदा करें। अभी जो है पूरे 25 करोड़ अवाम से सबकी आपकी नजरें हमारी भी नजरें, खिताब करें, जुर्रत करें, पाकिस्तान के अवाम को बताएं कि वो कौन सी जो है एतमाद मिले, और बताएं कि आईनी तरमीम होने जा रही है। अगर तो वो अवाम से खिताब नहीं कर रहा, अगर वो इस वक्त नेशनल टीवी को बुला के आपको और अवाम को एतमाद में नहीं लेता, वो आपसे शिक बाय शिक नहीं कानून को बताता, इसका मतलब है कोई चोरी हो रही है, इसका मतलब है कोई जो है वो मफाद प्रोटेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि किसी की कुर्सी गैर जरूरी प्रोटेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये कानून या ये जो इस तरह की काले कानून साजी छुट्टे वाले दिन हो रही है, इसका मतलब है कि अवाम को खतरा है, अवाम के मफाद का टकराव।